हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करो आप सब ठीक ठाक होगा। और स्वागत है आप सबको हमारा एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह को टाइम से सुबह सुबह बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। मौसम ख़राब से जिस करके ऊपर मैं रोटी बना ना पाऊँ तो नीचे ही बना रही थी मैं पराठा। ये जो आटो से लगा लिया तो, और आलू की पिट्ठी भी तैयार कर ली थी मैंने, और आलू उबाल लिया था और उसमें डाल लिया था सिंधा नमक और सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी और जीरो थोड़ा सा, और भाई हींग डाल ली थी। ठीक है, ये मसाला से जो सिंपल, और हाँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब मसाला मैंने डाल के और अच्छे से मिक्स करके पिट्ठी तैयार कर ली थी। और आटा भी लगा लिया था, बढ़िया सा आटो लगा कर तैयार कर लिया था। और जो मैं ये पराठा बनाऊंगी ना, ये देखो यो घी में नहीं बना रही, देसी घी में बना लियो। सो कभी कभी बना लियो मैं ये जो चावला को तेल से ये ठा रखो, तो रिफाइंड और डालडा वगैरह तो हमारे घर में यूज ही ना करा, बिल्कुल ना लाया करा। कि तो भाई सब्जी में तो सरसों को तेल, और पराठा वगैरह कुछ बनाना है और पोहा वगैरह बनाना है तो यो जो था चावला को तेल से ना यो ले लें वहाँ सा। और पराठा में भाई हम देसी घी भी यूज कर लिया सा, बाकी ये और तेल यो ना लाया करा, डालडा रिफाइंड कोई भी तेल हम यूज ना करा, अपना सरसों को तेल से यो बेस्ट रह से सब्जी में। और यो चावला का तेल भी अच्छा था, पराठा बढ़िया बनकर तैयार हो से। तो ये मैं बना रही थी चौकोर वाला आलू भर के, चौकोर वाला भी बनाया था और तिकुट्टा भी और गोल वाला भी, सब तरह का बनाया था, बना के देख रही थी। और पिट्ठी भी मेरी अच्छी बनकर तैयार हो रही थी और पराठा भी बनकर बढ़िया तैयार हुआ था। और जो स्कूल में जान खतरा हो लिया सी तैयार, दोनों बहन भाई डुगो हो लिया तैयार दिया भी, और डुगो पैर के जार साज घर का कपड़ा कह रहा था कि मम्मी आज मैं स्कूल में घर का कपड़ा पहन के जाना है, तो ना घर का पहन ऐसे दिया अपने स्कूल का ही पहन के जाओगी। और यो तैयार होकर बैठ गए तो मम्मी मेरा पराठा ना बना कर और ठंडो कर दे, मैं खाऊंगा। तो इन्हें दही और पराठा डलवा लियो तो अपना टिफिन में, और बोले मम्मी एक पराठा मैं खा कर जाऊँगा, एक मैं लेकर जाऊँगा। मैंने कहा बेटा ठीक है। तो एक एक तो इन दोनों बहन भैया का टिफिन कर एक एक खान का बना दिया था, और इनका पापा का भी, इनका पापा खा कर जाएगा और टिफिन में भी डाल देंगे, और बाकी सबका ही बना देंगी जितना बनाएगा वे। और वैसे तो पहला तो मैं इनका ही बना रही थी बालक वालका का, फिर मैंने सोची बोलो जो जितना आलू से ना उतना ही बना दूंगी। कल मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, तो सब्जी मैं जितना यूज करना था वे आलू मैंने यूज़ कर लिया था, बाकी ये बच गया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोची चल सुबह बच्चे बालका खातर ना पराठा बना देंगे, तो जिस करके ना ये कमी तो आलू तो कम ही पराठा बना था, बाकी सबका एक एक दो दो लगभग बन ही गया था। ठीक है, तो फटाफट से सेक लिया, हाँ और कुछ सेक लिया से और कुछ बच गया से बालका ने ले लिया, और अपना स्कूल में चले जाएंगा। इनका पापा ना रहा था, वे ना लेगा, वे भी फिर अपना गरम गरम खा कर इनके साथ साथ ही वे निकल जाएगा। और आलू का पराठा भाई किसने पसंद है, मेरे हिसाब से तो सबने ही पसंद आऊ आलू का पराठा। पहला टुकड़ ना खाया कर, तो कदनू खाया कर, तो मम्मी मेरा ना तिकुट्टा बना दे, सिंपल पराठा बना दे, आलू का ना बनवाया कर, तो इब तो यो भी आलू का खा ले वैसे। बाकी सभी ने पसंद आओ सर आलू का पराठा, सफ़र वगैरह में जावा जब भी, और चाय के साथ भी अच्छा लगे, चाय पराठा और दही पराठा बढ़िया लगे सर। मैं तो दही के साथ भी खा लें और चाय के साथ भी, बस फिर सब्जी सब्जी कहेंगे जरूरत को ना, जब आलू का पराठा हो तो बस उसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत ना है, नहीं खा लें ऐसा। और बस बात बता, मैंने कुछ तो बना दिया से, कुछ और बना लेंगी। Oh, oh, oh.
देखिए पराठा तो मेरा बन चुका है और बस ये दो तीन रोटी सेकनी और थी, क्योंकि भैया आलू ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोची चलो ये इनकी रोटी सेक दें उसको, तो इनकी मैं रोटी सेक दी से और ये करूँगी भैया अपनी रसोई की साफ सफाई और बर्तन वगैरह सब मैंने इकट्ठा करके रख लिया से और या रोटी सेक रही से तब तक मैंने सारा अपना सामान उठा कर धरती हूँ। ये बुरा ना आगे से मम्मी पापा की रोटी डाल रही है और अपनी डाल लेगी माँ की डाल लेगी और मैंने बना दी से सारी रोटी देख लो और सफाई भी कर दी साथ साथ। और देखो या आँच लगते लगते बची सी है, आँच लगन को रीजन से यो अब कल दूध गर्म करो तो हमने फिर दूध की पतीली धर के भूल गा और दूध उफन को तो बिल्कुल सारा उफन उफन के ना अरे मैं सुन को अरे मैं देखो उठे जो गिर रो तो ना बीतन वैसे साफ कर दो पर पता ना बीतन पाइप के ऊपर कटन कित गिर रो तो उठे आँच पकड़ोगे तुम तो हूँ भी आज मैं बिल्कुल एकदम साफ करूँगी ना आटा उठो कर और बस उसके बाद फिर कोई वीडियो ना बनाई फटाफट काम करो फिर अपना मशीन मशीन काम करने लग थी वो कुछ शाम को टाइम ना दो कर भाई फिर अपना मशीन को काम जाए ना जब ना कर पाऊँ मैं वीडियो काम तो ये शाम ने मैं हिल गिरने जा रही थी मैं और मम्मी तो फिर मैंने सोची ले थोड़ी सी वीडियो भी बन जाएगी और आज को लोग भी पूरा हो जाएगा तो गोबर डाल लिया तो मम्मी ने फिर हम घेरा सर मौसम है वैसे ख़राब तो मम्मी बोली पहला गोबर घेरांगा और फिर बहुत सा थे प्रका था ना उठे तो वे बटून लगा रखे थे बटून बोले हमारे दूर है जो थोड़ा सा जैसे गोसा सूख के इकट्ठा हो जाए तो उनकी बटून लगा दे हाँ इकट्ठा कर ले मम्मी कह रहे थे वे लिया वहाँ सा नहीं तो बारिश आ गई ना तो वे भीग जाएगा तो पहला तो मुरान आ गया अपना भाई कुल्डिया में गोबर और ये वैसे कुल्डी जो भैया हम अपना कूड़ो वगैरह राख पशुओं का ठाणा को कूड़ो गोबर वगैरह सब पूरे डालना है कूड़ा में कूड़ी में है और ये सारो कूड़ो गोबर खाद बन जाए ऐसे फिर सारो उड़ डालना फिर ये खाद हम अपना खेतों में डाल लें ऐसा गेहूँ वगैरह जब बो तो खेत में डल जाए ऐसे खेत में यो देसी खाद बहुत बढ़िया काम करे तो यो से गाँव में अपना हर चीज़ दे ले यूज आओ उसे तो गोबर गे रहा है ऐसा और इवन घर ना जाऊँ सीधा उठे जाऊँ जो मारो पुराना घर तो बहुत पहला माँ हर रहा करती वो घर से वैसे तो फोड़ फाड़ दियो पर उठ कुछ कौन बस गोबर खेत लिया सर इन्होंने गे गे रहा वैसे फोड़ दियो पुराना घर जो अभी तीन चक्कर लगाना अरे देखो मम्मी वो टोन लगा रहा थी लेना आया और देखो जब हम गोसा डाल रहा था ना जब भी बारिश आ गई थी थोड़ी थोड़ी मतलब बूंद आई थी और बागी बागी आई मैं तो लेकर अपनी हेल और फिर भी भीज ही गई बारिश एकदम तो तेज़ आ गई थी और मम्मी तो उठे ही गई घर में डट गई थी और मैं आ गई थी सीधे घर में मैंने तो जा रही थी फिर मैं भीज भी दे गई अरे उन्होंने मिल गया उसको मैं बारिश आ रही से तो पूरे ही रख दी डर गई मैं अरे आपने बस घेर दी कपड़ा घेर दी रे रख ली और देखो कुछ बारिश आ गई थी दिन तो मैं बहुत तेज बारिश आ गई थी और देखो यहाँ और दो तीन दिन हो गए बारिश में आ ही रही थी कभी दिन में आ गई कभी दोपहर में कभी रात में आ रही थी बारिश और बढ़िया मौसम पता खुश राम दिन भी उसमें पहले दो दो चार दिन अच्छी गर्मी हुई और बारिश का बढ़िया मौसम आ रहा था और जिस चीज़ को बारिश आई थी वो ज़्यादातर बारिश आ ही रही थी सबका और बस आज के लिए इतना ही मिलूँगी एक और नए व्लॉग में और चैनल पर नया है चैनल में सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कर दियो और प्यारों से कमेंट कर दियो।
और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो ताकि रोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। फिर आ गई थी मैं ऊपर, मैं सोची भीड़ तो कहीं, चलो एक कपड़ा बदलाऊंगा तो ऊपर भी कुछ सामान इधर उधर पड़े तो वो उठा कर रख देंगी और एक कपड़ा चेंज करूँगी और चलो फिर मिलाऊंगा एक और नए लोग में, तब तक के लिए राम राम राम।